तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसा हो यार, आज है 11 जुलाई और है भाई ट्यूसडे का दिन और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 5:15 और मैं हूँ अपनी गाड़ी प्रोटॉन X70 में और हम लोग निकल चुके हैं अपने रोड ट्रिप मतलब कि कराची टू इस्लामाबाद बाय रोड के लिए। तो भाई ये है मेरा डेली व्लॉग जिसमें तुम लोग अभी मेरी ट्रिप की रूटीन वगैरह देख पाओगे और जो एक और व्लॉग इसके बाद आएगा वो होगा कंप्लीट गाइड का। जो लोग जाना चाहते हैं मतलब पाकिस्तान टूर पे बाय रोड तो वो वाला व्लॉग देख सकते हैं और ये जो है ये भाई नॉर्मल रूटीन का व्लॉग है। सो अभी हम लोग जो है कराची के टोल प्लाजा से आगे हैं और देखते हैं भाई साथ साथ जहाँ भी रुकेंगे मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो व्लॉग को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो भाई अभी जो है ना हम हैं 7 शरीफ वाले रोड पे और हम लोगों ने इस बार रूट दूसरा लिया वैसे, वरना हम लोग सीधे हैदराबाद से जाते थे बट अभी हम लोगों ने जो है ना एक अलग रूट लिया और फिलहाल ये वाले और अभी फिलहाल हम लोग खा रहे हैं ये वाले लेस और ये वाला फ्लेवर लिया, एक और भी लिया था तो सोचा और मैं अभी मगरिब होने वाली उसके बाद खाएंगे एक और, अभी फिलहाल भाई क्रेविंग हो रही थी तो ये खा रहे हैं। तो भाई अभी जो है ना मोरो आ गए और यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने बनाना लिए जो कि कराची के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छे और हेल्दी वाले लग रहे हैं और कराची में भाई एक दर्जन एग्जैक्टली 250 रुपये के मिलते हैं और यहाँ पे 100 रुपये के मिले और टेस्ट में भी अच्छा है तो मोरो पे मिलेंगे और यहाँ पे एक होटल भी आ रहा है वहाँ पे रुकेंगे वॉशरूम वगैरह के लिए भी। तो भाई अभी हम हैं मोरो पे और यहाँ पे जो है हम एक होटल में आए हैं और फ्रेश होने के लिए। सो अभी हौसला भी मेरे साथ ही है सो यहाँ पे जो है अभी हम भाई फ्रेश होते हैं और फिर चलते हैं अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। तो यार अभी फ़िलहाल मगरिब का भी टाइम हो गया तो हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी मस्जिद मिली है इसी होटल में थी ये, तो ये जो है मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिलहाल फिर अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। अभी खाना वाना तो नहीं खाया क्योंकि हम लोगों ने मंचिंग वगैरह कर ली थी, सो अब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, वज़ू वगैरह कर लिया है, फिर हम लोग अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। तो यार अभी फ़िलहाल हम हैं रोड़ी पे और हम यहाँ पे एक होटल में आए खाना खाने, बैडल रेस्टोरेंट नाम है और औसजा मेरे साथ है। औसजा मज़ा आ रहा है? अभी तक हमें टोटल 5-6 घंटे हो गए निकले हुए। बैग सबसे मेन बैग है क्योंकि इसमें मेरी 2 वॉच और 1 मोबाइल है मेरा। बैग इसने पहन के रखा हुआ है। फिलहाल अभी हम रुके हैं यहाँ से, ये जो पेट्रोल पंप है ना इधर से ही जो सीधा रोड जा रहा है वहाँ से हमारा मोटरवे शुरू होगा। अभी फिलहाल हम लोग खाना खाने रुके हैं, रात के 10:30 हो रहे हैं, खाना खाते हैं अंदर चल के। तो भाई यहाँ का जो खाना है ना वो हम लोग अपने घर का ही चिकन आलू का सालन लेके आए थे और यहाँ पे स्लाइस जूस है तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई घर का खाना है क्योंकि बाहर के जो है ना बड़े अजीब तेल में बनाते हैं लोग, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना अपने घर का ही लेके आए थे अभी ये खा रहे हैं। यार यहाँ पे ना एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ दिखी है, देखो ड्राइव थ्रू ATM, इसमें आप गाड़ी में बैठे बैठे ना अपना ATM निकाल सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, कैश आउट कर सकते हो। कितना अच्छा बना भाई, पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ है भाई ये। तो यार अभी जो है मुल्तान भाई 100 किलोमीटर रह गया है और अभी भी हम मोटरवे पे ही हैं और मोटरवे की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें रिलीफ मिला है क्योंकि मोटरवे जब शुरू होता है ना तो यार आधी आपकी जो है ना मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 2:30 और जो है मैं भाई एक अभी ताम कैंप पे रुके हुए हम लोग, ये तुम लोग देखो यहाँ पे जो है भाई पेट्रोल पंप भी है और इसके साथ साथ एक शॉप भी है और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाला वॉशरूम भी है जो कि मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ भाई ये वाला वॉशरूम है। और फिलहाल अभी जो है ना हम यहाँ पे रुके हैं फ्रेश होने के लिए और औसजा जो है ना मेरे साथ है और फिलहाल औसजा से पूछते हैं वॉशरूम गए भाई कि नहीं। तो फिलहाल अभी 2:30 बजे रहे और कैसी फीलिंग है भाई, टूर पे मज़ा आ रहा है कि नहीं? हाँ नींद आ रही है तो सो जाओ ना, अभी नहीं। इसका भी मेरा वाला सीन है, मैं कभी भी ट्रैवल में सोता नहीं हूँ। तो यार अभी जो है ना सुबह हो चुकी है और टाइम यहाँ पे हो रहा है भाई अभी 5:24 और सूरज निकल चुका है, फुल रेड रेड हो रहा है, सनराइज़ हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऊपर ये ना चांद भी है, चांद भी अभी तक गया नहीं है और सूरज भी है और ये साइड में गाँव सब भी बड़ा अच्छा लगता है और ये जो है हमारा मोटरवे चल रहा है अभी और शीशा फुल गंदा हुआ है क्योंकि कीड़े मकोड़े वगैरह मारते हैं इसके ऊपर तो इस वजह से। तो फिलहाल ये पूरा मोटरवे चल रहा है और फजर भी हो चुकी है। Thank you.
फाइनली हम आ चुके हैं मरी और हम लोगों ने अपना होटल ले लिया और बहुत ही अच्छा स्वीट रूम लिया है हम लोगों ने। और इस बार हम लोगों ने माल रोड पे नहीं लिया क्योंकि यार नेचर को एंजॉय करने आया, तो फिर हम लोगों ने अच्छे व्यू वाला होटल लिया है और बहुत ही जबरदस्त रूम है। मैं तुम लोगों को इसके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो टीवी लगा हुआ है इतना बड़ा, उसमें भाई मैंने जो है ना अपने चैनल लगाया। ये देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉनी व्लॉग्स नाम है भाई। देखो इसमें भी मैंने लगा दिया है। और फिलहाल यार अभी तुम लोगों को मैं इस रूम के सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ और फिर खाने वाने मंगवाते हैं, भाई भूख लग रही है, फिर सोएंगे। तो यार अभी मैं खड़ा हूँ अपने रूम की बालकनी में और काफी ज्यादा बेस्ट वाली बालकनी मिली है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो है पीछे मरी का जो है पूरा व्यू है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो वो जो है पूरा मरी का व्यू है। और ये जो ये वाला होटल है ना आगे वो वाला, उसकी बैक साइड पे GPO चौक है, मतलब माल रोड है। सो हम लोग जो है भाई रात को जो है ना जाएंगे माल रोड वगैरह भी। और फिलहाल अभी दरवाजा बहुत खुल रहा है इसकी हवा से और काफी ज्यादा ठंडा मौसम हो रहा है यार यहाँ पे। अगर कराची और पंजाब के सारे इलाकों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो रही है। मतलब कराची की जो ठंड होती है ना पीक वाली, वो यहाँ पे अभी दिन में हो रही है। इतने गर्मियों के मौसम में यहाँ पे ठंड हो रही है। सो फिलहाल अभी जो है ना यार मैं इस वाले ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। कल शायद हम लोग जाएंगे नथिया गली और एपटाबाद वगैरह, क्योंकि वहां पे जो है हमें केबल कार वगैरह में बैठना है। और ऑब्वियसली मैं देखूंगा, अगर बैठना होगा तो बैठ जाऊंगा, वरना नहीं बैठूंगा। वहां पे और भी बहुत सारी मजे की चीजें हैं। तो व्लॉग को एंजॉय करने के लिए तुम लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो तुम लोगों को मिल जाए। और फिलहाल अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों सब में व्लॉग शेयर कर देना। मैं भी तुम लोगों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो। भैया